बाबा जी के पास आ गए हैं। बाबा जी, राजन भैया का एक प्रश्न है। जी सुनाइए। तो वो कह रहे कि क्या हमारा जन्म इसलिए हुआ है हम बच्चे पैदा करें, कमाए धमाए, परिवार पालें, और मतलब और उनकी पूरी जिम्मेदारियां पूरी कर दें, उसके बाद भी उसी में लिप्त रहें। ऐसे तो हमारी कभी अपने लिए तो हम जिए ही नहीं फिर, मतलब। नहीं, संसार की जिम्मेदारियां तो पूरी करने का कर्तव्य जरूर है। यदि हमने संसार बनाया है, ईश्वर ने बनाया और हमने भी अपना संसार बनाया। हाँ, हाँ। हम किसी के बच्चे हुए, किसी के भाई हुए, किसी के बहन हुए, किसी के पति हुए, किसी की पत्नी हुए, फिर किसी के बाप हुए, माँ हुए। तो ये संसार का कर्तव्य तो हमको निभाना चाहिए बहुत बहुत जिम्मेदारी से, लेकिन धर्म के साथ। धर्म के साथ, धर्म के साथ मतलब, धर्म के साथ मतलब मंदिर जाने आने से नहीं है, आत्मा को जानने की चेष्टा करते हुए। ये कर्तव्य संसार को समभाव में सेवा करना, संसार की सेवा समभाव में, सब में उसी ईश्वर का अनुभव करना, चाहे माँ में करो, चाहे बच्चे में करो, चाहे पत्नी में करो, चाहे पति में करो। और लेकिन इसके साथ निज को जानने की बहुत जरूरत है। तो निज को मतलब अपनी आत्मा को जानना, निज मतलब आत्मा को जानना। तो असली में ईश्वर ने इसीलिए भेजा है हमें। दरअसल देखिए, ये ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। ये तो ऐसे हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जब ईश्वर को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो इतने फिर उन्होंने बुन दिए। अब सब तो नाच नचा रहा है। हाँ। सब तो नाच नचाता है और नजर वो आता नहीं है। हाँ। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं बचपन में एक पिक्चर देखा था, कण कण में भगवान। उसमें एक भजन था, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है, वही श्याम है, वही श्याम है। किसी को ये भजन सुनने का इच्छा हो, पूरा तत्व ज्ञान से भरा हुआ है, इतना ही लिख के दबा दे कण कण में भगवान। हाँ। और यूट्यूब पे सुने सुन ले। मैं जब 8 बरस का था तब से उस समय पिक्चर देखती थी और अब यूट्यूब के कृपा से हम उसको सुन रहे हैं बार बार। तो अपने को जानना बहुत जरूरी है। और यदि अपने जानने को बगैर कोई मर जाता है तो वही शूद्र है, वही शूद्र है, वह शूद्र है, वो शूद्र है जो सफाई कर रहे हैं, वो शूद्र नहीं वो है। वो तो कालांतर में लोगों ने उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन जो मनुष्य योनि में आते भी आत्मा को जानने की चेष्टा ही नहीं की, सोचा ही नहीं उसके बारे में और मर गया, तो वो शूद्र है। तो मनुष्य को अपने बारे में जरूर जानना चाहिए, और अपने बारे में जब जान जाएगा तो वो पूरे लोगों की सेवा उसी हिसाब से करेगा जिस हिसाब से वो अपने बारे में सेवा करवाना चाहता है। आजकल ना बाबा जी, इसका उल्टा भी ले रहे हैं लोग कि जैसे अपने लिए जियो तो इसको है पार्टी करो, घूमो फिरो। नहीं, वो तो वो जीना, वो ही बता वो जैसे जीना नहीं, मैंने भी एक बात अपने जो लिए जीने का मतलब हुआ शरीर के लिए नहीं, अपनी आत्मा को जानने के लिए भी जियो। अपनी आत्मा को जानने के बगैर तो आप संसार की ऊंचाई नीचाई को समझ ही नहीं पाओगे। अपने को जानने के बाद संसार में सब लोगों में ईश्वर के दर्शन शुरू हो जाते हैं। फिर न कोई ऊंचा न कोई नीचा, न कोई छोटा न कोई बड़ा। तो संसार में रहकर भी ईश्वर को जाना जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी संसार में रहकर जाना है। गुरु वशिष्ठ भी संसारी थे। बहुत से लोग, बहुत जितने भी बहुत बड़े बड़े हुए, रामकृष्ण परमहंस भी संसारी थे। और बहुत लोग सन्यासी होकर भी जान पाए हैं, लेकिन सन्यासी नहीं थे, पत्नी के साथ थे, पति के साथ थे, ऐसे लोग ने उनसे भी ज्यादा ऊंचाई प्राप्त की है, ऐसा भी देखने में आया। मैंने एक बात शिवांगी को जब इनकी डेथ हुई शर्मा जी की, जब बोली थी कि तू शादी कर ले जल्दी से, अभी तो मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और मैं अभी थोड़ी सी जवान भी हूँ तो तेरे बच्चों को भी पाल लूंगी, उस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो अब है कि क्या हम पहले अपने बच्चों को पालें, जिम्मेदारी निभाएं, फिर
फिर उनके बच्चों के बारे में सोचे तो बिना उसके ही निकल जाएंगे फिर हम। नहीं नहीं ये सब संसार पे कर्तव्य भी समझते हुए करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। धर्म से जुड़ के आत्मा को जानते हुए, आत्मा को नहीं जाने के तब लिप्तता रह जाती है। जैसे तब अपने आप को समझिए आप उसमें फंस गए, कीचड़ में उलझ गए, उलझ गए। और यदि आप आत्मा को जान गए तो कीचड़ बचा ही नहीं, सारा संसार ही ईश्वर में हो गया फिर, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो ईश्वर को जानने की चेष्टा पूरी पूरी तरह से करनी चाहिए। वो सिर्फ मंदिर जाने आने से नहीं होगी, उसको किसी जानकार से कौन से साधन से कौन से पथ से जाएं कि ईश्वर को जान पाए, ये सीखना चाहिए। तो बाबा जी अगर जानने की इच्छा इतनी प्रबल होती है तो मुझे लगता है मार्ग भी अपने आप खुलते जाते हैं। देखिए किसी वृक्ष पे फल बहुत पका हुआ होता है ना, अमरूद, अमरूद के वृक्ष पे, तो उसमें कुछ अमरूद बहुत ज्यादा मीठे होते हैं और तोता आते उन्हीं पर चोंच मारता है जो बहुत मीठे होते हैं। तोते पे चोंच मारे हुए अमरूद आपको मिल जाए तो उससे बढ़िया स्वादिष्ट कोई होता ही नहीं है। तो वैसे ही गुरु खुद शिष्य को पकड़ लेता है, शिष्य को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके मन में आना चाहिए कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उसके बाद गुरु उसको कैसे मिलता है वो अपने आप समझ में आ जाए। बोलते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि उससे तो उतने पावर से नहीं, गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है। जैसे रामकृष्ण के पास बहुत से लोग आते थे पर नरेंद्र दत्त जो बाद में विवेकानंद हुए उसको उन्होंने पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। कौन पकड़ा उनको? राम कृष्ण को किसने पकड़ा? विवेकानंद ने नहीं, विवेकानंद को पकड़ लिया राम कृष्ण, तब वो विवेकानंद बने। पहले नरेंद्र दत्त थे फिर संन्यास में विवेकानंद। अच्छा मिल जाते। कल एक प्रश्न मेरे से किसी ने किया था एक दो दिन पहले ही कि शिव और विष्णु में से आप किसको मानते हैं? आजकल ये चल गया ना, हम इसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं। ये पहले तो लड़ाई होती थी इसमें। हाँ तुलसीदास जी के पहले तो लड़ाई होती थी। अच्छा सैभी लोग और मतलब उस टाइम पे भी लड़ाई होती थी। सैभी और वैष्णव लोग आपस में लड़ते थे। अच्छा जी हम सैभ हैं हम वैष्णव हैं नहीं। हाँ। वो तो तुलसीदास जी ने जो रचना रची उसमें शुरुआत ही थी वहीं से, शंकर भगवान राम जी को जप रहे हैं और राम जी रावण को मारने जा रहे हैं तो शंकर भगवान को पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको हटाने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा अपनाया था। अच्छा अपनाया था। और आज भी लोग इसको अलग 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 पंथ अलग अलग मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है शिव शंकर ये शंकर और विष्णु अलग थोड़ी है, तत्व से सब एक ही है। जब आप ही और हम अलग नहीं है, ये और ये विजय जो बैठा है यही अलग नहीं है, ये तो अपने अपने कर्मों से अलग अलग। आप यूट्यूब चलाते हैं, मैं साड़ी बेचता हूँ, ये हम लोगों की सेवा करता है, ये उससे अपने अपने कर्म है। लेकिन अंदर में तत्व से जाने तो वो भी आत्मा है, वो भी आप भी आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, तो अंदर हुआ का अंदर हुआ।